आपने बताया और जो प्रक्रिया और जो सिस्टम और जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसकी एक कॉपी हमने इंस्पेक्टर को प्रेजेंट की, वो उसमें कई ऐसे सिनेरियोस हैं, कई ऐसे इवेंट्स हैं जो कि जिसमें केवल जीआरपी को एक्ट करना है, जिसमें जीआरपी प्लस पुलिस को एक्ट करना है, जिसमें जीआरपी प्लस पुलिस प्लस फायर को एक्ट करना है, जीआरपी प्लस पुलिस प्लस फायर प्लस एम्बुलेंस फायर को करना है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस हैं और रिस्पॉन्स जो है वो आज के जमाने में यदि रिस्पॉन्स स्मार्ट नहीं हुआ, आप अगर स्मार्ट रिस्पॉन्स के हकदार नहीं हैं और अगर नहीं करते हैं तो आपकी सारी व्यथा जो है और आपका सारा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। द पीपल हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, बी इट पुलिस, बी इट जुडिशियरी, बी इट रेलवे पुलिस, एनीबडी। तो रिस्पॉन्स हमारा जो है वो स्मार्ट रिस्पॉन्स हो और उस स्मार्ट रिस्पॉन्स में सबसे जरूरी है कि हमारा कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है, कितना टेक्नोलॉजिकल सेवी रिस्पॉन्स होता है और कितना ह्यूमेन रिस्पॉन्स होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 100 को डायल किया और 100 की तरफ से आवाज आई गाली देकर, तो वो हमारा रिस्पॉन्स स्मार्ट नहीं हुआ। स्मार्ट रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ क्विकनेस, स्पीड, दैट इज कॉल्ड स्पीड, एंड देन यू हैव द टेक्नोलॉजी एंड थर्ड बट नॉट द लिस्ट, ह्यूमन टच। और ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस अपने एक नए चेहरे को पहन सकती है और आगे बढ़ सकती है। और यही कारण है कि हम लोगों ने इस वर्ष यूपी 100 को फायर के साथ सम्मिलित किया, उसको इंटीग्रेट किया। एम्बुलेंस जो बहुत ही बड़ा एक पब्लिक हेल्थ का माध्यम है, उसको हमने इंटीग्रेट किया। और संप्रति यूपी 100 इस बात पर भी विचार कर रही है कि महिला सम्मान प्रकोष्ठ को भी हम कैसे इंटीग्रेट करें। आने वाले समय में इनकी ये भी योजना है कि कुंभ मेले में यूपी 100 का क्या भूमिका होगी और किस प्रकार कुंभ मेले में आए हुए हमारे यात्री और हमारे जो श्रद्धालु होंगे वो यूपी 100 को किस प्रकार यूज करेंगे, किस प्रकार उसका इस्तेमाल और प्रयोग करेंगे, इस पर भी इनकी चर्चा हो रही है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।